एंड वेलकम टू लीगल टेरिटरी। सो राजस्थान हाई कोर्ट में लीगल रिसर्चर की पोस्ट है और उसको निकले हुए थोड़ा टाइम हुआ है, बट आपके पास स्टिल 5-6 दिन है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कीजिए और 4 जो जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उनके अंडर ये वैकेंसी निकली है लीगल रिसर्चर की। सो ऑनलाइन मोड के लिए आपको आज क्या करना होगा वो मैं बताऊंगी। सबसे पहले हाई कोर्ट की वेबसाइट पर आपको अगर इसका नोटिफिकेशन देखना है तो ये रही राजस्थान हाई कोर्ट की वेबसाइट। उसमें आप थोड़ा नीचे जाइए और रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक कीजिए। रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स और रिक्रूटमेंट। तो आप रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ये ऑप्शंस दिखेंगे जो साइड वाइज हैं, बाकी नीचे आप नोटिफिकेशंस देखने आ सकते हैं। सो ये जो रिक्रूटमेंट वाला जो सेक्शन है, इसमें सबसे पहली लिंक है लीगल रिसर्चर 2023 की। इस पर क्लिक करने पर आपको वो नोटिफिकेशन दिखाई देगा जो आपको देखना है। तो ये कुछ नोटिफिकेशंस हैं, हमें लेटेस्ट वाला देखना है जो कि 6 तारीख को निकला है फरवरी में। तो हम इस नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। सो ये वो नोटिफिकेशन है जिसकी मैं बात कर रही थी। इसमें आपको जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो देखनी है कि एक तो जो जस्टिस दिनेश मेहता है उनके अंडर 1 वैकेंसी है, जस्टिस अनिल कुमार है उनके अंडर 2 वैकेंसीज हैं, जस्टिस नूपुर भाटी हैं उनके अंदर 2 वैकेंसीज हैं और अशोक कुमार जैन के अंदर भी 2 वैकेंसीज है। तो इन टोटल आपके पास 7 वैकेंसीज हैं और आपकी जो एज लिमिट है वो भी यहाँ पर प्रिस्क्राइब की गई है, 33 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज ऑन 1 जनवरी 2023। तो ये आपकी मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है। यहाँ पर कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं दिया है, ST ST का कुछ भी नहीं है। कोई भी क्लास ऑफ पर्सन है उनकी एज 33 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो अगर ऐसा होता कि अगर कोई एग्जेम्पशन है ST ST को तो यहाँ पर मेंशन होते, बट यहाँ पर कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है, विच मीन्स एग्जेम्पशन नहीं मिलेंगे। अब आपका जो टाइम लिमिट है फाइलिंग का वो यहाँ पर दिखा रहा है कि आपकी 7 जो फरवरी है तब से ये स्टार्ट हो चुकी है और ये 21 फरवरी को ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास कुछ दिन और हैं, 21 फरवरी से पहले पहले आप ये फॉर्म भर दीजिए और 5 बजे, शाम के 5 बजे ये बंद हो जाएगा 21 फरवरी को। सो ये आपके पास ऑनलाइन फीस, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का टाइम है। आपको जो टाइम देखना है एग्जामिनेशन फीस का, वो आप किस डेट तक भर सकते हैं, तो वो आप 22 तारीख तक भर सकते हैं 5 बजे तक। सो आप पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा फीस लेट भरनी है तो 22 तारीख, 1 दिन एक्स्ट्रा का टाइम है, बट आप रिस्क क्यों लें, आप सेम टाइम पर ही फीस डिपॉजिट कर दीजिए। और बाद में आपको मेथड्स बताइए कहाँ आप साइबर कैफे पे जाकर ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, फोटो की साइज और सिग्नेचर की साइज का क्या होना चाहिए, वो सब यहाँ पर बताया गया है। आपका एक यूनिक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा और इससे आप फाइल कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई नोटिफिकेशन की, कितनी वैकेंसीज है और क्या एलिजिबिलिटी है एज वाइज। अब आपको देखना है कि आपको ये फॉर्म फिल कैसे करना है ऑनलाइन। तो सबसे पहले जहाँ पर हम गए थे इस नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में, जहाँ हमने लीगल रिसर्चर का देखा था, तो हम ऊपर जाएंगे थोड़ा सा और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है। यहाँ पर क्लिक करने से ये आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऐसी कुछ चीज़ें दिखाएगा। तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने लास्ट ईयर भी ये फॉर्म भरा था तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे। अगर आप रजिस्टर्ड यूज़र नहीं है तो न्यू यूज़र है तो रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके अपने आप का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेंट नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ और ये सब चीज़ें होंगी। अगर आपने प्रीवियसली भी राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट पर कोई भी एग्जाम नहीं लिखा है तो आपके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन, अदरवाइज आप पहले वाली आईडी से रजिस्टर लॉगिन करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने बेसिक डिटेल्स फिल करी और आप रजिस्टर हो जाएंगे और आप अपना ये फॉर्म भर सकते हैं। याद रखिए 21 जो फरवरी है वो लास्ट डेट है, 5 बजे तक शाम में खुला रहेगा ये पोर्टल। तो जिन लोगों को भी इस एडवर्टाइजमेंट में इंटरेस्ट है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल थी। अगर यूजफुल थी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।